बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको बटर चिकन सिखाऊंगी बनाना बहुत ही आसान तरीके में। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने 1 kg चिकन लिया है विद बोन्स, आप बोनलेस भी ले सकते हैं, जिसमें मैंने 1/2 कप दही, 1 teaspoon नमक, 1 tablespoon कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर, 1 tablespoon अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है। इन सब चीज़ों को मैं अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। चिकन में मसाला अच्छी तरह से लग चुका है। इस मैरिनेशन में हम चिकन को 1 से 2 घंटे तक मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। चिकन हमारा अच्छी तरह से मैरिनेट हो चुका है। अब हम चिकन को फ्राई करेंगे। यहाँ पर एक पैन में मैंने 2 tablespoon बटर, 1 teaspoon ऑयल लिया है। ऑयल से हमारा बटर जलेगा नहीं। अब इसमें मैं मैरिनेटेड चिकन ऐड करूँगी। चिकन को हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। यहाँ पर मैं चिकन को हाई फ्लेम पे फ्राई कर रही हूँ। चिकन हमारा अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। अब हम सॉस बनाएंगे। एक वोक में मैंने 1 tablespoon बटर लिया है। इसी के साथ मैं इसमें 1 teaspoon मैदा ऐड करूँगी। मैदे को हम अच्छी तरह से भूनेंगे। मैदे से हमारा जो ग्रेवी, बटर चिकन का ग्रेवी का जो टेक्सचर है, बहुत ही स्मूथ आएगा। अब मैं इसमें 2 teaspoon अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 teaspoon हल्दी, 1 teaspoon कसूरी मेथी, 1 teaspoon ज़ीरा पाउडर, 1 teaspoon कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर, 1 teaspoon नमक और 2 tablespoon पानी ऐड करूँगी। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे और इस मसाले को हम अच्छी तरह से भूनेंगे। देखिए, मसाला हमारा अच्छी तरह से भुन गया है। अब हम इसमें 1 cup टमाटो प्यूरी ऐड करेंगे और 1 मिनट तक पकाएंगे। सॉस हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसको चिकन में ऐड करेंगे। चिकन और सॉस को अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। इसी के साथ मैं इसमें 1 cup मिल्क ऐड करूंगी। अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। अब मैं इसमें 1 teaspoon शुगर ऐड करूंगी। चिकन को आपको बीच बीच में चलाते रहना है। अब इसमें 1 tablespoon तली हुई प्याज आएगी। अब हम इसमें 1/2 cup कुकिंग क्रीम ऐड करेंगे। क्रीम ऐड करके हम चिकन को ज़्यादा पकाएंगे नहीं। 2 से 3 मिनट पकाने के बाद हमने गैस बंद कर दिया है। हमारा बटर चिकन रेडी हो चुका है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो, मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।